गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ योगेंद्र त्यागी। टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर 17 प्रोबेबिलिटी क्लास 8। स्टूडेंट, आज इस चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी, चांस। किसी भी वर्क के होने के या किसी भी काम के होने के क्या चांस हैं, इसको हम किस में शो करते हैं? फ्रैक्शन में शो करते हैं, परसेंटेज में शो करते हैं। क्लियर स्टूडेंट? सो स्टूडेंट, देखिए आपके सामने वाइट बोर्ड पर आज हम जो चैप्टर 17 डिस्कस कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी, बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा चैप्टर है ये। प्रोबेबिलिटी इज़ द मेज़र ऑफ सर्टेनिटी और चांस ऑफ समथिंग टू हैपन। प्रोबेबिलिटी इज़ द वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1। प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट, वो बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के ही बीच में होती है प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी इज एन इवेंट, ई इज गिवन। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1। फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी आपके सामने है स्टूडेंट, देखिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट पी ई मीन्स पी प्रोबेबिलिटी, ब्रैकेट में ई मीन्स इवेंट, किसी काम की होने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी क्या है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी ई, इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम इन विच द इवेंट ऑक्योर्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का यही फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, नंबर ऑफ आउटकम इन विच इवेंट ऑक्योर्ड, जो हम इवेंट कर रहे हैं उसके नंबर ऑफ आउटकम्स, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। क्लियर स्टूडेंट? तो प्रोबेबिलिटी आज हम चैप्टर इसी को डिस्कस कर रहे हैं और इसी क्वेश्चन के बारे में भी हम अभी करेंगे यहाँ पर डिस्कस। स्टूडेंट, यहाँ पर एवरी इवेंट हैज़ ए चांस of happen or not happening. We often talk of chance of an event to happen. Probability of an event can be expressed in a fraction, decimal or percentage. Probability को हम student express करते हैं fraction में, decimal में या percentage में. Sample space, a list of all पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस। स्टूडेंट, एक वर्ड आएगा इसमें सैम्पल स्पेस, तो जितने भी टोटल नंबर ऑफ आउटकम होते हैं उसी को हम कहते हैं सैम्पल स्पेस। इसके बाद स्टूडेंट, एज ए एग्जाम्पल अगर हम बात करें स्टूडेंट, अगर हम एज ए एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊँ, तो मैं आपसे कहूँगा द टोटल पॉसिबल outcomes of tossing a coin are head and tail, so the sample space is head and tail. अगर हम coin को toss करते हैं तो हमारे पास दो chance होते हैं, head और tail, तो यही हमारा sample space है, दो ही ये sample space हैं इसमें अगर हम coin को toss करते हैं head and tail. Next student हम बात करेंगे इस chapter में आपसे एक्सपेरिमेंट, ए सिचुएशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। एज ए एग्जाम्पल, ड्रॉइंग ए स्पेड फ्रॉम ए डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड इज एन एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट एक वर्ड आएगा स्टूडेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, एन एक्सपेरिमेंट इन विच, एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑफ आल पॉसिबल आउटकम आर नोन एंड द एग्जैक्ट आउटकम्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस इज कॉल्ड ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। आउटकम्स, एन आउटकम इज द रिजल्ट ऑफ ए सिंगल ट्रायल और इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, टॉसिंग ए कॉइन, हेड और टेल इज कॉल्ड द आउटकम्स, सिंगल कॉइन और हेड एंड टेल। स्टूडेंट, इवेंट, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम
द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम इज कॉल्ड एन इवेंट. नेक्स्ट स्टूडेंट, फेवरेबल आउटकम्स. फेवरेबल आउटकम्स मीन्स एन इवेंट विच कंटेन एन एलिमेंट ऑफ सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड फेवरेबल आउटकम. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए सक्सेसफुल इवेंट. द आउटकम विच इंश्योर द ऑक्यूरेंस ऑफ एन इवेंट आर कॉल्ड फेवरेबल आउटकम्स ऑफ द इवेंट एंड द रिमेनिंग आउटकम्स आर कॉल्ड अनफेवरेबल आउटकम्स ऑफ द इवेंट. क्लियर स्टूडेंट? स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट PE PE इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम. स्टूडेंट, जब भी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, PE प्रोबेबिलिटी, E मींस इवेंट, तो जिस इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं उसमें जितने भी फेवरेबल आउटकम्स हैं वो ऊपर रहते हैं और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं और इसी से हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं किसी भी इवेंट की. क्लियर स्टूडेंट? स्टूडेंट, फॉर एन एग्जांपल, आपके सामने एक क्वेश्चन है यहाँ पर और देयर आर 45 स्टूडेंट्स इन ए क्लास. टोटल 45 स्टूडेंट्स हैं. नंबर ऑफ बॉयज हैं 20 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स 25. फ्रॉम दीज स्टूडेंट्स वन इज चूज एट रैंडम. अचानक इसमें से एक को हमें चूज करना है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज दैट द स्टूडेंट इज गर्ल. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द गर्ल्स इन दिस स्टूडेंट दैट द स्टूडेंट इज गर्ल्स. कि जो भी हम रैंडमली अचानक इसमें से चूज करें तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो गर्ल्स ही होगी स्टूडेंट. तो हमें गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. फॉर्मूला आपके सामने है ऊपर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम. फेवरेबल मीन्स हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, गर्ल्स की फाइंड करनी है. तो फेवरेबल आउटकम्स गर्ल्स के मतलब 25 हो गए और टोटल आउटकम कितने हो गए स्टूडेंट, टोटल आउटकम 45 स्टूडेंट हैं यहाँ पर. तो पी ई, तो प्रोबेबिलिटी पी पी गर्ल्स इक्वल टू 25 स्टूडेंट. जो गर्ल्स हैं वो 25 हैं, तो फेवरेबल आउटकम 25 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम 45. 5 5 जा 25 5 9 जा 45. सो स्टूडेंट, यहाँ पर हमने प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड की, गर्ल्स की फाइंड की. तो P ब्रैकेट में गर्ल्स इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स गर्ल्स के 25 और टोटल आउटकम 45, रिड्यूस किया 5/9. सो स्टूडेंट, आपने यहाँ देखा होगा कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी आ रही है उसकी वैल्यू 0 और 1 के ही बिटवीन है. देखिए, 1 से ग्रेटर नहीं होगी कभी भी और प्रोबेबिलिटी माइनस में भी नहीं होगी, पॉजिटिव ही रहेगी, बिटवीन 0 एंड 1. क्लियर स्टूडेंट? सो इस तरीके से हम यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करते हैं. स्टूडेंट, आपका फॉर्मूला सामने है, यही फॉर्मूला इन क्वेश्चन में हम यूज़ करते हैं. स्टूडेंट, अब हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है. इस प्रोबेबिलिटी में ये पूछे जाते हैं. यहाँ पर एग्जांपल है टोटल नंबर ऑफ कार्ड. जो आपके कार्ड होते हैं स्टूडेंट, जो गेम वाले कार्ड होते हैं जिसको हम वेल शफल डेक कहते हैं, तो टोटल कार्ड्स हैं यहाँ पर 52. तो ये टोटल आउटकम्स हो गए. अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड आप फाइंड करिए, रेड कलर का कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो स्टूडेंट यहाँ पर फिर वही फार्मूला आपको यूज़ करना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. तो फेवरेबल आउटकम्स में टोटल रेड कलर के कितने कार्ड होते हैं,
26 होते हैं, तो फेवरेबल आउटकम 26, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने होते हैं, 52 होते हैं, तो 26/52। ठीक है स्टूडेंट, 26 1 जा 26, अब 26 2 जा 52, तो 1/2, तो रेड कार्ड आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/2 होगी स्टूडेंट। सेम इसी तरीके से अगर हम नंबर कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि जो ताश आप जब देखा होगा आपने घर में, जो ताश के पत्ते होते हैं जिनको वेल शफल डेक कहते हैं, हम 52 होते हैं, उसमें नंबर ऑफ कार्ड जिन पर नंबर लिखे हुए होते हैं, काउंटिंग होती है, ऐसे कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी फाइंड करने की, तो टोटल आउटकम्स 52, और नंबर वाले कार्ड कितने होते हैं स्टूडेंट, 36 ही होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम फाइंड करें पी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर कार्ड इक्वल टू 36/52। स्टूडेंट देखिए, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, अगेन 2 से किया, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 9/13 ये प्रोबेबिलिटी होगी यहाँ पर नंबर वाले कार्ड को फाइंड करने की। इसके बाद नंबर ऑफ कार्ड नॉट गेट ग्रेटर देन 5, ऐसे कार्ड जो नंबर वाले ऐसे कार्ड जो ग्रेटर देन 5, तो ग्रेटर देन 5 में स्टूडेंट आपके कौन कौन से आते हैं, यहाँ पर देखिए सभी तरह के, देखिए कौन से होते हैं, 2 3 4 5, और 4 तरह के कार्ड होते हैं, तो 4 4 जा 16, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 16 हो गए, और टोटल आउटकम्स आपके 52 हो गए हैं यहाँ पर। तो देखिए सी प्रोबेबिलिटी गेटिंग नंबर कार्ड नॉट ग्रेटर देन 5 इक्वल टू 4 टाइप के होते हैं, और 4 ही होते हैं, 2 3 4 5 ये नंबर होते हैं स्टूडेंट, अपॉन 52। सो स्टूडेंट 16/52, और इसको जब आप रिड्यूस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 4/13। क्लियर स्टूडेंट? सो स्टूडेंट आई होप दैट आज हमने प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर जो डिस्कस किया है आपको जरूर समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, और इसमें जब भी हम किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तो उस फेवरेबल आउटकम्स की जो भी फेवरेबल आउटकम्स हैं उनको हम ऊपर रखते हैं और अपॉन में हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम से, और जो वैल्यू हमें मिलती है वो हमेशा 0 और 1 के बिटवीन ही होती है। क्लियर स्टूडेंट? तो ये चैप्टर में हमने मेन आज कुछ डिस्कस किया, कुछ और क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन आप खुद करें, ट्राई करें, और नेक्स्ट वीडियो में भी हम कुछ अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।